सिद्धार्थनगर जिले में आज अवैध रूप से चल रहे अस्पतालों पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी में कई खामियां निकल कर सामने आई। इस गोरख धंधे में शामिल लोग कितने शातिराना अंदाज से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, यहां तक अस्पताल में एक्सपायरी दवा मरीजों को दी जा रही थी। इसी कड़ी में आज बांसी तहसील के जिगीनी हवा चौराहे पर SDM बांसी और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की तो चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहाँ पर दो जगहों पर मेडिकल स्टोर के लाइसेंस के नाम पर बकायदा अस्पताल चलाया जा रहा था और मरीजों को भर्ती कर बोतल और इंजेक्शन लगाए जा रहे थे। साथ ही अल्ट्रासाउंड मशीन लगाकर अल्ट्रासाउंड भी किया जा रहा था और तो और यहां पर एक्सपायरी दवा भी बेची जा रही थी। इस छापेमारी से हुए खुलासे से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अवैध नर्सिंग होम किस तरह चंद पैसों के लिए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक हिंदुस्तान फार्मा क्लिनिक है जिगनियावा चौराहे पर, तो वहाँ मेडिकल स्टोर का लाइसेंस है, उसकी आड़ में मरीजों को भर्ती करके उनको बोतल और इंजेक्शन लगाया जाता था और मेडिकल स्टोर के पीछे अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाया जाता था और उनके मेडिकल स्टोर में एक्सपायरी दवाइयाँ भी मिली हैं। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए अल्ट्रासाउंड मशीन को सीज करके उसको जो थाने पर भिजवा दिया जा रहा है और मेडिकल स्टोर को सील कर दिया जा रहा है। एक जोहर फार्मा भी है, यहाँ भी छापेमारी की गई, अल्ट्रासाउंड मिला और क्या क्या मिला है? जोहर फार्मा में भी एक अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित था और इनका मेडिकल स्टोर का लाइसेंस था, लेकिन ये भी मरीजों को भर्ती करके उनका इलाज करते थे। गोपनीय सूचना के आधार पे जिले से जो है स्वास्थ्य टीम आई थी और यहाँ से हम थे, यहाँ के MOIC साहब थे और कुल्हौरा SHO साहब थे, तो संयुक्त टीम द्वारा जो है दोनों जगह छापेमारी की गई है और दोनों जगह इलीगल रूप से जो है कोई कागजात नहीं है, इलीगल रूप से जो है अल्ट्रासाउंड मिले हैं और उसके साथ जितने इंस्ट्रूमेंट जो यूज किए जाते हैं सब कुछ वो मिले हैं। क्या इसके बाद और जो अन्य और अवैध अस्पताल चले उनसे भी कार्रवाई की जाएगी या इसी पे छापेमारी? बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह से जो है कार्रवाई चलती जाएंगी और इन पे जो है PCPNDT एक्ट के तहत जो है इनको कार्रवाई होगी। देखते रहिए TV भारती समाचार, नजर हर खबर पर।